नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रस्तुत सशक्त निवेशक पॉडकास्ट सीरीज में एक बार फिर मैं हाजिर हूं। आज मेरे साथ एक बहुत ही दिग्गज इंसान है, और मैं इंसान वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ना केवल वो एक बहुत ही वेल नोन मार्केट कॉरपोरेट जगत के एक्सपर्ट हैं, लेकिन एक हीरे वाला दिल है उनका, बहुत अच्छे इंसान है और बहुत कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। उनका नाम है अमित चंद्रा, जिनको मैं, मेरी खुशकिस्मती है कि कई दशक से उनसे मिलना जुलना मेरा हुआ है अपने जर्नलिस्टिक करियर में, जब वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे और मैं एक यंग रिपोर्टर था। लेकिन आज दुनिया भर में उनकी जो सोशल कॉज के प्रति जो उनकी जो एक धारणा है, जो एक काम करते हैं, चाहे वो फिलेंथ्रपी हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो ESG जिसे हम कहते हैं, हर चीज में उन्होंने अपनी जीवन को अब उधार दिया है उसमें। अमित चंद्रा चेयरपर्सन है बेन कैपिटल एडवाइजर्स के, लेकिन जैसे मैंने कहा उसके आगे भी वो बहुत कुछ करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इंपैक्ट इन्वेस्टिंग पर। और अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए यहाँ पर NSE के स्टूडियो में। आप एक बहुत बिजी पर्सन है, आपने समय निकाला हमेशा से। मैं, मुझे याद है कि जब मैं एक बहुत ही यंग रिपोर्टर था तो आपके पास आके इतने मैं सिंपल सवाल पूछता था, लेकिन आप कभी नाराज नहीं होते थे, समझा देते थे बहुत ही अच्छी तरह से। शायद आपको याद भी नहीं होगा क्योंकि बहुत मेरे जैसे यंग रिपोर्टर आए थे आपके पास सीखने के लिए बाजार को। लेकिन आजकल बहुत बात होती है इंपैक्ट इन्वेस्टिंग की, और लोग ESG, हमारे जो मार्केट रेगुलेटर हैं SEBI, उन्होंने बहुत अच्छी पहल भी की है, कई देशों के बनिस्बत हम उनसे आगे भी हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जो एक आम निवेशक है, आम भारतवासी है, वो इंपैक्ट इन्वेस्टिंग को किस तरह से समझे। पहले तो विवेक, मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रोग्राम है और मुझे यहाँ पे आपने जो बुलाया है उससे मेरी मेरा प्रोफाइल बढ़ा है, सो बहुत बहुत शुक्रिया। जो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग की अगर आप डेफिनेशन समझना चाहें तो मेरे ख्याल से हमें एक स्टेप पीछे लेना चाहिए, और पूरे जो पैसा जो हम लोग लगाते हैं उसका पूरा डेफिनेशन देखना चाहिए। तो जब हम पैसा लगाते हैं तो एक साइड पे हम दान करते हैं, जिसे हम फिलैंथ्रोपी अंग्रेजी में वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पे हम इन्वेस्टिंग जो शेयर बाजार में हुए या फिक्स डिपॉजिट्स बैंक में लगाएं या बॉन्ड खरीदें, तो दूसरे स्पेक्ट्रम पे वो आता है, और जो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग है वो बिल्कुल बीच में आता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? जो लेफ्ट साइड पे फिलैंथ्रोपी है या दान का बिजनेस है, वो हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम सब में एक भावना होती है कि हम हमारे आगे पीछे जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, किसी का दुख दर्द हम देख नहीं पाते हैं और हम वो सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपनी जो मेहनत की कमाई है वो हम लगाना चाहते हैं। और उससे हम क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? कुछ मॉनेटरी रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, हम खाली ये खुशी एक्सपेक्ट करते हैं, कभी कभी हम ये ब्लेसिंग्स एक्सपेक्ट करते हैं, जिसका भला हुआ है उससे एक्सपेक्ट करते हैं, पर कोई मॉनेटरी रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करते। तो एक साइड पे वो प्योर फिलैंथ्रोपी है या दान का बिजनेस हुआ, दूसरे साइड पे पूरी कमाई का बिजनेस हुआ जो इन्वेस्टिंग है। आप और मैं दोनों वो बिजनेस में बड़े हैं, उसमें प्योर एक्सपेक्टेशन ये है कि पैसा कैसे सबसे फास्ट मल्टीप्लाई होए, चाहे डेट में हो या इक्विटी में होए। हम हर अपॉर्चुनिटी को वो लेंस से इवैल्यूएट करते हैं और ये देखते हैं कि रिस्क और रिटर्न बैलेंस करके बेस्ट
इन्वेस्टमेंट कौन सी है और इससे बेस्ट रिटर्न कैसे आए, ये दोनों चीज का अगर आप बैलेंस करें तो उसको इंपैक्ट इन्वेस्टिंग कहते हैं। मतलब ये हुआ कि आप पूंजी लगाएं, वो पूंजी से सोसाइटी का भी कुछ भला हो और रिटर्न भी आए। तो मैं आपको एक उदाहरण सिंपल दूंगा, आप अगर माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री देखें तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में जो लेंडर्स हैं वो अपने आगे पीछे गांव में जाते हैं, वो ऐसे लोगों को पैसा देते हैं जिनको आम बैंक, आम लेंडर्स नॉर्मली पैसा नहीं देते थे, और उन्होंने ऐसे टेक्निक डिजाइन किए हैं, ऐसे प्रोसेस डिजाइन किए हैं जैसे उनको पैसा मिल सके, और वो टेक्निक से उन लोगों को पैसा मिलता है, उससे उनको उनका चाहे कोई बिजनेस होए या कोई कंजम्पशन नीड होए वो फुलफिल होती है। अभी आप कहेंगे कि वो जो रिटर्न है और या कॉस्ट है, क्योंकि रिटर्न और कॉस्ट एक ही कॉइन का दो साइड है, वो हाई है, पर आपको उसको कंपेयर करना है उनके जो अल्टरनेटिव कॉस्ट है उनके साथ। वो अल्टरनेटिव कॉस्ट ट्रेडिशनली जो नॉर्मल गांव के साहूकार थे वो बहुत हाई होते थे, तो वो कॉस्ट से बहुत ही लोअर है। ठीक है, ये एक ही उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ये हो सकता है कि अभी गवर्नमेंट जैसी स्कीम्स चलाती हैं कि एमएसएमई को पैसा मिले, तो एमएसएमई को पैसा मिल सकता है बैंकों के द्वारा, और गवर्नमेंट वो बैंक्स को कुछ सपोर्ट देती है कोई स्कीम्स में, वो भी एक किस्म का इंपैक्ट इन्वेस्टिंग हुआ। ठीक है, तो जहां पे कुछ सोशल इंपैक्ट हुए सोसाइटी पे, और कभी भी रिटर्न ये नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, मतलब कुछ बिल्कुल दान का बिजनेस नहीं है, उसको हम इंपैक्ट इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो इंपैक्ट इन्वेस्टिंग समझने के लिए ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है अगर हम समझ लें तो हम इसको समझ पाते हैं। और अभी इसमें कितना आपको सोशल बैलेंस करना है और कितना आपको रिटर्न बैलेंस करना है, ये आपकी चॉइस होती है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप ज्यादा सोशल रिटर्न पे फोकस करें या थोड़ा ज्यादा फाइनेंशियल रिटर्न पे फोकस करें, या इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर निर्भर है। जी अमित, कई अलग किस्म के प्लेटफॉर्म्स भी बनाए जा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंजेस द्वारा, जैसे एक ऐसे मी प्लेटफॉर्म बने, सोशल स्टॉक एक्सचेंज है जैसे, वो भी प्लेटफॉर्म एनएससी ने खड़ा किया है, और बाकी जैसे आपने कहा 5000 कंपनियां हैं, उनमें से कुछ अच्छा काम, जब मैं अच्छा कहता हूं मैं बिजनेस के नजरिए से नहीं कह रहा, मैं सोशल इम्पैक्ट के नजरिए से कह रहा हूँ। जैसे आजकल ESG की बात होती है कि क्या आप इन्वायरमेंटली कंप्लायंट हैं, क्या आपकी गवर्नेंस अच्छी है, क्या आप कुछ और किस्म से सोशल फ्रंट पे कुछ बेनिफिट कर रहे हैं। तो अगर किसी को इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग करनी है तो कौन से जरिए के थ्रू जाना चाहिए आपके? तो विवेक, इसमें कभी कभी हम थोड़े टर्म्स को कंफ्यूज कर लेते हैं जी, इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो मेरे मन में जो ESG मूवमेंट है, ये एक ऐसी मूवमेंट है जो, जैसे मैंने आपको स्पेक्ट्रम का उदाहरण दिया, ये मूवमेंट राइट साइड की जो कंपनीज है वो उनके लिए है। क्योंकि क्या हो गया था विवेक कि आप जब मार्केट के बहुत ही वेल नोन ऑब्जर्वर थे, और मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर भी था फिर इन्वेस्टर बना, हम दोनों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट का जो प्रेशर है वो प्रेशर कुकर से कम नहीं था। करेक्ट, एक साइड पे एनालिस्ट होए या शेयर होल्डर होए, ये हर मार्केट की कंपनी को बोलते थे कि हर क्वार्टर में हमको परफॉर्मेंस चाहिए। ठीक है, मीडिया जो है छोटी सी भी चूक होती थी तो कंपनी के ऊपर इतना दबाव डालती थी कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो बिल्कुल मतलब घबर जाती थी। ठीक है, ये सब प्रेशर का ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि हर कंपनी शॉर्ट टर्म पे फोकस करना शुरू कर दिया था। मेरे एक बहुत
मेंटर हैं कामत साहब, इन्होंने अच्छी टर्म बनाई थी QSQT, वो टाइम पे पिक्चर आई थी कयामत से कयामत, तो उन्होंने उसको मॉडिफाई करके बोला था क्वार्टर से क्वार्टर तक, हर एक सीईओ क्वार्टर से क्वार्टर तक रहना रहने जा रहा था। तो मेरे ख्याल से ये प्रेशर की वजह से पूरे विश्व में कंपनीज ज्यादा शॉर्ट टर्म में फोकस कर रही थी, और सेकेंडली क्या हो रहा था कि लोग जो कहते हैं ना कि शॉर्टकट में कोई कोई बहुत जरूरी चीजें हैं उनको स्किप कर रही थी। क्या जरूरी चीजें हैं कि देखिए हर कंपनी जो है उसको अपना नजरिया जो है एनवायरमेंट में रखना चाहिए, उसको नजरिया अपने इंटरनल स्टेक होल्डर्स पे भी रखना चाहिए, उसको नजरिया अपने लॉन्ग टर्म हेल्थ पे रखना चाहिए जो हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। अगर आप खाली अगले क्वार्टर पे फोकस करेंगे और इसके अगले वाले क्वार्टर पे फोकस करेंगे, कभी ना कभी आपकी दुर्घटना होगी। ये सब जो जो ज्यादा ज्ञानी लोग हैं उन्होंने ये ऑब्जर्व करके फिर डिसाइड किया कि देखिए ये सब बैलेंस करने के लिए, जैसे कोई रेस कार में आपको एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों चीजों की जरूरत है, आपको स्टैंडर्ड रेस करने के लिए ये ESG स्टैंडर्ड्स लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो सोसाइटी जो है ये बर्बाद हो जाएगी। तो जो ESG मूवमेंट है ये अपने इन्वेस्टिंग स्पेक्ट्रम के राइट साइड के लिए है, ताकि जो पूरी कंपनीज हैं, क्योंकि कंपनीज पूरे विश्व को बहुत इंपैक्ट करती हैं, सोसाइटी को बहुत इंपैक्ट करती हैं, हर एक कंपनी को कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए एनवायरमेंट के साथ डील करने के लिए, सोसाइटी के साथ डील करने के लिए, अपनी गवर्नेंस के साथ डील करने के लिए। ये कंपनीज को चूज कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड के ऊपर जाए, जैसे पहले भी CSR आने से पहले फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनीज अपनी कम्युनिटी में इन्वेस्ट करती थी, तो ये कंपनीज के ऊपर निर्भर है कि ESG स्टैंडर्ड्स के ऊपर जाना, ये कंपनीज के ऊपर निर्भर, कम से कम एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना ही चाहिए, ये कम से कम तय हो गया है। और अभी कम से कम एक रिपोर्टिंग क्योंकि मैंडेटरी हो गई है और इसके एक पाथवे डिटर्मिन हो गया है ताकि ये मेजर होगी, पूरे जो वर्ल्ड है इन चाहे एनालिस्ट हैं या इन्वेस्टर्स हैं, ये हर एक कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं कि ये अपने ESG जर्नी में हर कंपनी इनके पोर्टफोलियो में कैसे कर रही है। फिर इनको चॉइस है कि जैसे ये खाली कंपनीज का ग्रोथ मेजर करते हैं या कैश फ्लो मेजर करते हैं या रिटर्न ऑन इक्विटी मेजर करते हैं, ये ESG को भी देख के डिसाइड करें कि मुझे ये कंपनी खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। तो ये ESG मूवमेंट जो है मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, जिसमें जो सोसाइटी है, इन्वेस्टिंग कम्युनिटी एज वेल एज कंज्यूमर्स या रेगुलेटर्स, ये देख सकते हैं कंपनी को और डिसाइड कर सकते हैं ये कंपनी कहाँ फिट होती है। जो इंपैक्ट इन्वेस्टिंग का बिजनेस है वो तभी भी मेरे ख्याल से थोड़ा अलग है, हर इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट को भी ESG नॉर्म्स फॉलो करना चाहिए, पर तभी भी ये इंपैक्ट इन्वेस्टिंग में एक और चीज करनी जरूरी है, वो क्या है कि उसमें सोशल ऑब्जेक्टिव बहुत ही जरूरी चीज है, जो इन्वेस्टिंग में इतनी जरूरी नहीं है। इन्वेस्टिंग में ये बार खाली मीट करना बहुत जरूरी है, जो ESG बार है जो सबके लिए प्रिस्क्राइब की गई है। तो एक जगह है जैसे आप जैसे लोग जिन्होंने अपना जो भी सक्सेस कमाया वो अब सोसाइटी को दे रहे हैं, लेकिन आप मानेंगे इस बात को अमित, के आपके और मेरे जेनरेशन के लोगों में आप एक बहुत यूनिक उदाहरण है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, क्लास 4th, 5th, 6th के बच्चे, वो इतने एनवायरनमेंट कॉन्शियस है। मैं एक बस उदाहरण ले रहा हूँ एनवायरनमेंट का, जैसे ले लीजिए जो जिसपे बहुत चर्चा है आजकल, यू नो नेट कार्बन जीरो, कार्बन फुटप्रिंट। आजकल एक 5वीं कक्षा का बच्चा आपको आके ये बता देगा कि ये प्लास्टिक कि जो आप बोतलों से पानी पीते हैं ये ठीक, मतलब इस तरह के उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन क्या आप भी मानते हैं कि
जो ये नई जनरेशन आजकल के जो बच्चे हैं वो इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें ये पढ़ाया गया है, इसे मानते हैं इस बात जो शायद हमारी जनरेशन में इतनी हमने इसको तूल नहीं दी और तब ये डैमेज करके हम इस हालात में आए हैं कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन गई है। तो अब ये जो यंग लोग हैं अगर इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते, इंपैक्ट इन्वेस्टिंग करना चाहते तो कहां जाए, कैसे करें? ये विवेक आपने बहुत ही जरूरी मुद्दा और मेरे ख्याल से अच्छा मुद्दा रेज किया आपने। आपकी और मेरी जनरेशन एक चीज के लिए हिस्ट्री में जानी जाएगी कि बहुत एक मिलियन इयर्स में, सैकड़ों सालों में, हमारी जनरेशन सबसे सेल्फिश जनरेशन ये प्लैनेट में पैदा हुई है। क्यों मैं कहता हूं ये, क्योंकि अगर आप जो देखेंगे जो डिस्ट्रक्शन हुई है ये प्लैनेट के फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ की, फ्लोरा और फौना की, जो पिछले 20-30-40 साल में हुई है, हमारे आप और मैं के टाइम पे हुई है, उतनी डिस्ट्रक्शन कोई भी जेनरेशन में नहीं हुई है सैकड़ों सालों में। तो जब इतिहास लिखा जाएगा हमारी जनरेशन वो चीज से तो जरूर जाना जाएगी। हम चाहे हमने कुछ इन्वेंशंस किए हैं जिससे लोगों की सेहत अच्छी हुई है, वो सब तो लिखा जाएगा, पर ये एक चीज जरूर लिखी जाएगी। और हमारे जो अगली पीढ़ी आएंगी वो हमें ये चीज के लिए बहुत कोसेगी, बहुत बहुत कोसेगी। मेरे ख्याल से अगली पीढ़ी ने ये रियलाइजेशन आना शुरू हो गया है कि चाहे कि जो भी वो इनहेरिट करें हमसे, पैसा इनहेरिट करें या जो भी और एसेट्स हमसे इनहेरिट करें, जो अर्थ, जो विश्व वो इनहेरिट कर रहे हैं वो बहुत ही डैमेज्ड अर्थ है, और इसीलिए वो उनका जो व्यवहार है वो हम आपसे और मेरे से बहुत ही डिफरेंट है। इसीलिए मेरे ख्याल से ये इनका व्यवहार चीजों के तरफ बहुत ही डिफरेंट है। कैसे, मैं कुछ एम्प्टी स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, अगर आप सर्वेस देखें तो आगे ही 60-70% के बीच में कंज्यूमर्स जो हैं, और हम लोग यू नो यंग नेशन है, पर बहुत कंज्यूमर्स जो हैं वो देखते हैं कि ब्रांड अगर एक कॉन्शियस ब्रांड है कि नहीं है। ठीक है, ये ग्लोबल बाय द वे फिनोमेना भी होना शुरू हो गया है। तो अगर कंज्यूमर फील करता है कि एक ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, रिस्पॉन्सिबल ब्रांड नहीं है, तो उनका वो ब्रांड से विश्वास उठता है। ये पहले लोगों में इतनी कॉन्शियसनेस होती नहीं थी। इसका अगला फेज ये होगा कि लोगों की प्रेफरेंस जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल ब्रांड के तरफ जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग पे करेंगे, ज्यादा पैसा देंगे एक रिस्पॉन्सिबल ब्रांड के लिए। आगे आपको दिखता है कि आप जा ऑफिस में जाएं, जैसे आप मेरे ऑफिस में आएंगे आपको प्लास्टिक बॉटल कम मिलेगी, कोई कोई लोगों को प्लास्टिक बॉटल चाहिए पानी के लिए तो उनके लिए खाली रखी जाती है, पर 90% से ज्यादा लोगों को ग्लास मिलता है और एक जगह है जहां पे आप जाके पानी अपना भर सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि एक बार एक लड़का आया मेरे ऑफिस में और उसने प्लास्टिक बॉटल देखी और उसने बोला ये आपको शोभा नहीं देता है, तो हमें खटका हो। ये 6 साल पहले की बात है, उस दिन से हमने चेंज करना शुरू किया। मेरे ख्याल से ये अभी हमारे बाद में हमारे विश्व में हमारे सब ऑफिस में आपको बहुत ही कम प्लास्टिक बॉटल्स मिलेंगी। मेरे ख्याल से ये चेंज हमें नई पीढ़ी सिखाएगी। हर चीज में आप देखो ना, लोग कितना ज्यादा अपना प्रीमियम देख के ईवी व्हीकल्स लेते हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स लेते हैं, ये क्यों? क्योंकि लोगों की प्रेफरेंस है। तो नई जो पीढ़ी है इनका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया है। पहले पहला सिग्नल ये है कि वो नॉन रिस्पॉन्सिबल ब्रांड्स
को अवॉइड करेंगे. सेकेंड फेज ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे. और आपने आपका क्वेश्चन जो था वो कैसे सपोर्ट करें फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊंगा. अगर आप डेटा देखें तो पिछले जो 15 साल का अगर आप इन्वेस्टमेंट चार्ट देखें तो ग्लोबली जो सबसे फास्ट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट कैटेगरी रही है वो है इंपैक्ट इन्वेस्टिंग. 30% प्लस ये कैटेगरी ग्रो की है फॉर द लास्ट 10-15 years. 30% इन डॉलर टर्म्स जब कुछ ग्रो करता है तो आपको अंदाजा होगा कि कितना उसमें ऑब्वियसली डिमांड कितना है वो कैटेगरी का. वो मेरे ख्याल से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ग्रो हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को इंटरेस्ट है ये कैटेगरी में. मोर एंड मोर जो जो इंटरेस्ट आ रहा है ये यंग और मिडिल एज लोगों से आ रहा है. ये मेरे ख्याल से जो एटलीस्ट सर्वे सजेस्ट कर रहे हैं कि ये इंक्रीज होता रहेगा. अभी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा इसमें ये आता है क्योंकि आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट रहेगा अगर मैं उसको नहीं एड्रेस करूं कि ये ट्रेंड कंप्लीट होने के लिए हमारे देश में एटलीस्ट डिमांड और सप्लाई बैलेंस होना पड़ेगा. मतलब इट विल बी इंपॉर्टेंट, जरूरी है कि कंपनीज आए जो कॉन्शियस कंपनीज हैं. इंपैक्ट इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग एक कैटेगरी है, एग्री साइड में कंपनीज में कॉन्शियस फूड कंपनीज आनी चाहिए. तो ये जो कॉन्शियस कैटेगरीज हैं ये इसमें सप्लाई ऑफ कंपनीज आनी पड़ेगी. और सेकेंडली जो मैनेजर्स हैं, जैसे आज आविष्कार है एक मैनेजर, अवाना कैपिटल है मैनेजर, डोमेस्टिक मैनेजर्स जो बने हैं, ग्लोबली एक दो मैनेजर्स आए हैं इंडिया में, ये कैटेगरी ऑफ मैनेजर्स भी एक्सपैंड होने पड़ेंगे. क्योंकि हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कितनी अच्छा उदाहरण है जो ग्रो हुआ है और आजकल घर घर में म्यूचुअल फंड पहुंचा है. ये क्यों हुआ है? क्योंकि इन्होंने पूरी कैटेगरी क्रिएट की है जिसमें सब लोग अभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट का मतलब क्या है और छोटे अमाउंट में कर सकते. तो अल्टीमेटली ये कैटेगरी ग्रो करने के लिए मैनेजर्स ग्रो करना और मैनेजर्स को भी ग्रो करने के लिए सप्लाई साइड पे कंपनीज ग्रो करना बहुत ही जरूरी है. अमित, आपने 90s के दशक में, 2000s के दशक में आज की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप ही उन्हें मार्केट में लेके आए, आपने एडवाइस किया उन्हें, आप उनके इन्वेस्टमेंट बैंकर थे. और कहीं जो हमारे दर्शक हैं तब शायद पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन तब ये सिलसिला चला. तो क्या अब आप, हालांकि ज्यादातर आपका ध्यान इसमें जाता है, लेकिन ये जो नई एंटरप्रेन्योरशिप की जो आज एक एनर्जी है इस देश में कि यंग लोग हैं, कॉलेज भी कंप्लीट नहीं करते लेकिन कहते हैं कि मुझे कुछ अपना करना है, और उनमें से कई ऐसे स्टोरीज हैं जो आप कह रहे हैं, क्या आप उनका साथ देंगे इस जर्नी में, उनको गाइड करने में कि किस तरह से ये एक छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी बन सकते? देखिए, मैं तो, मेरा लाइफ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग ये रही है कि मैं, मेरा देश 1994 में वापस आ गया. और अगर मैं यहाँ पे नहीं आया होता तो मैं कुछ छोटा मोटा जॉब कर रहा होता अमेरिका में, और मैंने कुछ पैसा कमा लिया होता और मैं किसी के लिए काम कर रहा होता. मेरे ख्याल से आज अभी मेरी बेटी भी बाहर पढ़ रही है और मुझे, मैं भी उसको वही एडवाइस देता हूँ कि अगर मैं इंडिया वो टाइम पे आया और मुझे ये बेनिफिट मिला तो मैं तो हर बच्चे को यही एडवाइस देता हूँ कि इंडिया तो आज और भी एक्साइटिंग है वो टाइम से. क्योंकि अपॉर्चुनिटी अगर देखो तो दो चीजें हुई हैं. एक तो यहाँ पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना है ग्रोथ के लिए जो वो टाइम पे नहीं था. तो तभी भी देखिए क्या वेल्थ यहाँ पे क्रिएट हुई है, क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हुई है. दूसरी चीज जो हमें सबको रियलाइज करना चाहिए कि वो टाइम पे तो कम से कम वर्ल्ड में, विश्व में दूसरी जगहों पे अपॉर्चुनिटी बहुत क्रिएट हो रही थी जो आज नहीं है.
तो रिलेटिवली हमारे देश में और हमारा देश और भी इंटरेस्टिंग लगता है। तो मेरे ख्याल से जो कहते हैं ना, राइट प्लेस एट द राइट टाइम, मेरे ख्याल से हमारे हमारा देश राइट प्लेस एट द राइट टाइम है। आपका जो प्रश्न है उसमें आपने पूछा कि मेरे जैसा जो इंसान है वो कैसे इनकरेज कर सकता है ये कंपनीज को। तो देखिए, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो मैं बिलीव करता हूं कि जो मेरा जो बेस्ट यूज ऑफ माय टाइम है, कि जो मैंने क्या आपको पहले इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर्स टू ग्रो। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जितने भी हो सके मैं मैनेजर्स को सपोर्ट करता हूं, और इसमें खाली ज्ञान देना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं अपना कैपिटल भी देता हूं कोई कोई मैनेजर्स को। मैं उनका नाम दे सकता हूं, पर आई डोंट नो यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि ये एनएससी का प्लेटफॉर्म है। पर मैंने आई ऑलरेडी हैव सपोर्टेड दो सोशल इम्पैक्ट मैनेजर्स, और मैं अभी तीसरे को सपोर्ट करने जा रहा हूँ। एक क्लाइमेट पे फोकस्ड है, एक जनरल सोशल इम्पैक्ट पे फोकस्ड है, और एक तीसरा जो है अभी जेंडर इश्यूज पे फोकस करने जा रहा है। पर मेरे व्यू में द बेस्ट वे समवन लाइक मी कैन सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स इज बाय डूइंग दैट। और मेरे ख्याल से हम सब जो हैं इंडस्ट्री में, जिन्होंने कुछ कमाया है ये देश से, हम सबको कोई ना कोई रास्ते से, कोई ना कोई मीन से, चाहे डायरेक्टली हो एंटरप्रेन्योर्स को या ऐसे प्लेटफॉर्म्स द्वारा, हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जो सबसे बड़ा फर्क मेरे को दिखता है 90s के इंडिया में और आज के इंडिया में, वो है ये मुद्दा जो आपने बोला, एंटरप्रेन्योरशिप। आज एंटरप्रेन्योरशिप इतनी डिफरेंट है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो जेनरेशन में ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप की तेजी आई है कि वो देख के मेरे को भी लगता है कभी कभी कि मैं 30 साल थोड़ा यंगर होता, मेरे पास और ज्यादा बाल होते तो मैं भी कुछ और करता। ये आपके पास बहुत कुछ है करने को अमित, और मैं दुआ करता हूं कि आप जिस तरह से कितने अच्छे इंसान की तरह वापस दे रहे हैं सोसाइटी को, आप देते रहें। और यहाँ पर आने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।